नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश के नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल का नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा। संसद में सेंधमारी मामले में असली विलन को लेकर बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी से आज कच्चा चिट्ठा की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के मैसूर के बाद संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना के जो तार हैं वो कोलकाता से भी जुड़ गए हैं। जी हां, मैसूर के बाद कोलकाता से ये कनेक्शन सामने आया है और इस घटना का मास्टर माइंड बताया जा रहा 5वां आरोपी ललित झा, जो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, वो कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में किराए के एक मकान में रहता था। इसलिए दिल्ली पुलिस ने कोलकाता पुलिस से संपर्क भी किया है, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने ललित झा के पते पर पहुंचकर मकान मालिक से पूछताछ भी की। वहीं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ललित को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, यानी कि लंबी फहरिस्त यहां पर अब सवालों की आएगी, जिसका सामना आरोपी ललित झा को करना होगा। लेकिन न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से जो जानकारी हाथ लगी है उसके आधार पर शक जताया जा रहा है कि ललित झा भी इस कांड का बस एक मोहरा हो सकता है, जो किसी के इशारे पर हो सकता है नाच रहा हो। नाम ललित झा, आरोप संसद में हंगामे की साजिश का मास्टरमाइंड। ये चेहरा मासूम है, मगर पुलिस वालों को शक है कि 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का सूत्रधार यही शख्स है, ललित झा। 2 दिन पहले संसद में हंगामा खड़ा करने के लिए जब 4 लोग घुसे थे, उस दौरान ललित भी वहीं था, मगर उसका चेहरा किसी की नजर में नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि ललित संसद के अंदर नहीं घुसा था, अंदर घुसे थे सागर शर्मा और मनोरंजन, और बाहर प्रदर्शन कर रहे थे नीलम और अमोल। ललित बस चुपचाप बाहर रहकर नीलम और अमोल का वीडियो बना रहा था, जिसे उसने सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया था। हंगामा सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल कर रहे थे, इसलिए चारों मीडिया और पुलिस की नजर में आ गए और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मगर ललित कैमरे के पीछे रहा, इसी बात का फायदा उठाकर वो फरार हो गया था, और तभी से पुलिस हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी थी। मगर एक रात पहले ललित खुद चलकर पुलिस के पास पहुंचा और दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर कर दिया। ललित झा वैसे तो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, मगर न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से पता चला है कि वो कोलकाता में छात्रों को ट्यूशन पढ़ाता था। सूत्र बताते हैं कि ललित पहले वहाँ एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था और 1.5 साल पहले वो कोलकाता छोड़कर चला गया था। सूत्र के मुताबिक कोलकाता में ललित को जानने वालों का दावा है कि ललित बेहद ही शांत स्वभाव का था और वो बेहद ही कम लोगों से मिलता जुलता था। इसलिए जब न्यूज चैनलों पर ललित की तस्वीर चली तो उसे जानने वाले लोग हक्के बक्के रह गए कि वो संसद में घुसकर हंगामा करने का इतना बड़ा कांड भी कर सकता है। मगर न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उससे जो पता चला है वो पुलिस के दिमाग में शक पैदा कर रहा है कि ललित झा इस फिल्म का असली विलन नहीं है, वो भी बस एक मोहरा ही है। उसके पीछे कोई खड़ा है, कोई चेहरा है, एक साया है, जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा है। ये शक इसलिए क्योंकि ललित अकेला पुलिस के पास नहीं पहुंचा था, वो अपने साथ एक शख्स को लेकर आया था और वो शख्स था ये। ना महेश, पता नागौर, राजस्थान। ललित के साथ महेश भी थाने गया था। महेश भी फेसबुक पर भगत सिंह फैन क्लब पेज के जरिए सागर, मनोरंजन, नीलम, अमोल और ललित से जुड़ा था। सूत्रों ने न्यूज 18 इंडिया को बताया है कि पहले 13 दिसंबर को महेश को भी संसद पहुंचना था, लेकिन परिवार के चलते उसका ये प्लान फेल हो गया। वहीं आरोपी ये सोच कर बैठे थे कि संसद में इतना हंगामा करने के बाद वो आसानी से रफू चक्कर हो जाएंगे। आखिरकार ये तय हुआ कि 5 लोग ही संसद पहुंचेंगे और महेश इन तमाम लोगों को छुपाने और भगाने में इनकी मदद करेगा। इसी वजह से महेश का दिल्ली आना कैंसिल हो गया था और वो नागौर में ही रहा, मगर संसद में सेंध लगाने वाले आरोपियों का प्लान चौपट हो गया और सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल पुलिस की गिरफ्त में आ गए। भागने में सिर्फ ललित ही कामयाब हो पाया।
उसने घटना वाले दिन यानी 13 दिसंबर की रात ही दिल्ली से बस पकड़ी और सीधा राजस्थान के नागौर पहुंच गया। वहां वो महेश से मिला और महेश ने ललित के ठहरने का बंदोबस्त कर दिया। मगर टीवी में अपने कांड की खबर देखकर दोनों डर गए। सूत्रों के मुताबिक ललित लगातार न्यूज चैनल्स देख रहा था और पुलिस की हर मूवमेंट की उसे पूरी जानकारी थी। जब उसे लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा तो वो और महेश दोनों नागौर से दिल्ली चले गए और सीधा थाने पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने ललित और महेश से इतनी तगड़ी पूछताछ की कि सीन में एक और किरदार की एंट्री हो गई। नाम कैलाश, पहचान महेश का चचेरा भाई, पता राजस्थान। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 13 दिसंबर को जब ललित दिल्ली से फरार हुआ तो वह कैलाश और महेश दोनों के ही संपर्क में था। महेश और कैलाश दोनों ने ही ललित को छुपाने में मदद की और नागौर में उसे कमरा दिलवाया। संसद की सुरक्षा में चूक की ये कहानी बेहद पेचीदा होती जा रही है। पुलिस आरोपियों के जितने करीब पहुंचती है एक नया किरदार पैदा हो जाता है। इसी वजह से पुलिस को शक है कि संसद में घुसने की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड कोई और ही है। फिलहाल इस कहानी में 8 किरदार हैं। पहला लखनऊ का रहने वाला सागर शर्मा, दूसरा कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला मनोरंजन डी, तीसरी हरियाणा की नीलम, चौथा महाराष्ट्र के लातूर का अमोल शिंदे, पांचवा बिहार का ललित झा, छठा हरियाणा के गोरग्राम का विक्की, सातवा राजस्थान के नागौर का महेश, आठवा राजस्थान का कैलाश। CNN News 18 के मनोज गुप्ता को खुफिया सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि ललित झा इस साजिश का सूत्रधार लग तो रहा है, मगर मुमकिन है कि उसका आका भी कोई और है, क्योंकि आरोपियों के संसद में घुसने की वजह सिर्फ उनकी विचारधारा तो नहीं हो सकती। सूत्रों को यह भी पता चला है कि पूछताछ में आरोपियों के बयान एक दूसरे से मेल भी नहीं खा रहे। वो बार बार यही कह रहे हैं कि उनके पीछे कोई और नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को यह बात बिल्कुल नहीं पच रही है कि फेसबुक के जरिए मिले आरोपियों की जान पहचान इतनी ज्यादा पक्की हो गई कि अपने मुद्दे को उठाने के लिए सीधे उन्होंने संसद में ही सेंधमारी की साजिश रच डाली। पुलिस का मानना है कि आरोपियों को संसद में हंगामा करके पब्लिसिटी तो चाहिए थी, मगर उन्हें यह भी अच्छी तरह मालूम था कि संसद में घुसकर दहशत फैलाना कितना बड़ा जुर्म है और उन्हें इसकी क्या कीमत चुकानी होगी। इसलिए कोई तो है जिसने आरोपियों को उकसाया और संसद में घुसने में उनकी मदद की। पुलिस अब उसी शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसलिए पुलिस की जांच अब इन 8 शहरों के इर्द गिर्द ही नहीं घूमने वाली, उसकी जांच का दायरा बढ़ेगा। पुलिस इंडिया गेट से लेकर संसद तक लगे सभी CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। गुरुग्राम में जहां सभी आरोपी विक्की के घर ठहरे थे, वहां के CCTV कैमरों की फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इस बीच न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों ने बताया है कि पुलिस के सामने पूछताछ में ललित ने कबूल किया है कि उसने और महेश ने सागर, नीलम, मनोरंजन और अमोल के फोन जला दिए हैं। संसद में घुसने से पहले चारों ने अपने मोबाइल फोन ललित को दे दिए थे और ललित उन्हें लेकर फरार हो गया था और वो मोबाइल फोन बड़ा सुराग थे। सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस सभी आरोपियों के फोन नंबर लेकर उनके कॉल रिकॉर्ड चेक करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ कई ऐसे फोन नंबर हैं जिनका डाटा यहां पर खंगाल रही है पुलिस की एजेंसियां, क्योंकि उनको यकीन है कि इन फोन नंबरों के जरिए वो कुछ ऐसे संगठनों के संपर्क में थे जो इन्हें इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए उकसा रहे थे या इनके साथ मिले हुए थे। लेकिन संसद की सुरक्षा में चूक के इस मामले पर सियासत भी खड़ी हो गई है। ललित झा की TMC नेता तापस रॉय के साथ एक तस्वीर सामने आई है जिस पर BJP ने हल्ला बोल दिया है। ललित झा जब इसको लेके राजनीति हो रहा है तो इसमें स्पष्ट है जो TMC इतना अंदर में हल्ला बोल कर रहा है, इसमें जो ललित झा के साथ TMC विधायक का जो तस्वीर है सामने आ रहा है, इसमें इनके साथ तृणमूल के साथ कनेक्शन स्पष्ट है। इसका हाई इन्वेस्टिगेशन टीम जो जाँच कर रहे है, इसको जांच होना चाहिए, पूछताछ होना चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मगर खुद तापस रॉय ने उन पर लगाए गए सभी आरोप नकार दिए। यू सी व्हाट कैन यू प्रूव बाय ए फोटोग्राफ एंड दैट इज टू ए सिंगल फोटोग्राफ। इट सीम्स दैट दे वांट टू सप्रेस कवर अप देयर फेलियर्स। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 टीमें बनाई हैं।
दो आरोपियों के राज्यों में जाकर एक एक सुराग ढूंढेंगी ताकि संसद का एक भी गुनाहगार बच ना पाए। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी उत्तर दिशी बह सरजू पावनी अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व। सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।